नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया और इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए रुख करते अगली जानकारी का। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियां सामने आ चुकी हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के साथ यमुनोत्री के कपाट भी बंद किए जाएंगे और 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। इस बार आपको बता दें, चार धाम यात्रा में 48 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करते नजर आते हैं ये चारों धाम। और इस बार भी लाखों की संख्या में 48 लाख से भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने चारों धाम के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बेसब्री से इंतजार रहता है तमाम श्रद्धालुओं को जो देश के हैं, जो बाहर से भी रहने वाले हैं। और इस बार जिस तरह से चार धाम की यात्रा चली है उसमें 48 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बहरहाल अब आपको बता दें कि चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीखें तय हो चुकी हैं। अगले कुछ महीनों के लिए एक बार फिर ये धाम बंद हो जाएंगे। विधिवत पूजा अर्चना के साथ धाम बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं और उसके बाद एक बार फिर अगले वर्ष चारों धाम के कपाट खुलते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और 3 नवंबर को ही यमुनोत्री कपाट के धाम भी बंद होंगे। हालांकि इससे एक दिन पहले 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ। गढ़वाल क्षेत्र के अर्धसैनिक बलों के लिए कोटद्वार में सीजीएचएस बनाए जाने की बीजेपी प्रवक्ता विपिल कैंथोला ने मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधा है उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार, जमकेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों के लिए भी सीजीएचएस की मांग गढ़वाल सांसद ने की गई है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को स्वास्थ्य के उपचार के लिए देहरादून आने की बजाय अपने क्षेत्र में ही इलाज मिल सके। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में कोटद्वार हो, उसके अगल बगल यमकेश्वर, लेंसडॉन, चौपट्टा खाल, पौड़ी जनपद हो या अन्य जगह हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, के तमाम जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके स्वास्थ्य के लिए सीजीएचएस, जिस प्रकार से ईसीएसएच जो है सैनिकों के लिए होता है, मिलिट्री के जो हमारे कोर हैं या इन्फेंट्री हैं उनके लिए होता है, उनका सेंटर भी कोटद्वार में। इसी प्रकार से कोटद्वार में जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके आश्रितों को, उनको सीजीएसएस सेंटर खुलने से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक उनको अगर जो किसी अपने को दिखाने के लिए आना होता है या उसमें किस हॉस्पिटल में, किस हॉस्पिटल में उनको पैनल में जाना है, इन सब चीज़ों को के लिए उन्हें देहरादून आना पड़ता था। इसलिए मैंने माननीय सांसद जी से ये आग्रह किया है कि इन अर्धसैनिक बलों के जो आश्रित हैं और उनके जो सैनिक है, लगभग 9000 कोटद्वार में और उसके अगल बगल के क्षेत्र में अगर जो लगाएं तो 16000 के लगभग जो हैं सैनिक, अर्धसैनिक जो है वहाँ पर निवास करते हैं। निश्चित रूप से कोटद्वार में सेंटर खुलने से, सीजीएचएस सेंटर खुलेगा तो उनको लाभ मिलेगा और उनको जो देहरादून आना पड़ता है छोटे से काम के लिए, अपने को दिखाने के लिए और उसके बाद फिर पैनल में रेफर कराने के लिए, तो इन सब चीजों में उनको सुविधा प्राप्त होगी। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो जाने पर जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार पहुंचकर घटना का जायजा लिया। 2 कैदियों के दीवार फांदकर भाग जाने से जेल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में सिडकुल थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं, बात कही है। डीएम कमेंद्र सिंह का कहना है कि जिस वक्त कैदी फरार हुए तब यहां रामलीला का मंचन हो रहा था,
इस दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामलीला में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोबाल का कहना है कि फरार कैदियों की तलाश जारी है, फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी सुराग जुटाने में जुटी हैं। फरार हुआ पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य है और हत्या के मामले में सजायाफ्ता भी है। वहीं रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। दोस्त बंदी हैं, एक पंकज है जो रूसी का रहने वाला था, हत्या के केस में दोस्त था, और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोस्त जो था, ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। और लोगों ने निरीक्षण किया नए कप्तान साहब ने, तो उसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांसने यहाँ से निकले हैं। इसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सतुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। देहरादून के ISBT में मानव तस्कर गिरोह के सदस्य महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके कब्जे से छूटकर भागी तीन युवतियों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उनकी काउंसलिंग हो रही है, जिसके संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया है। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून के SP City प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर पहले से हत्या का प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। से भी बात हुई है, कल से हम लोग अभी तक 2-3 बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वो बच्चियां डरी तो हुई हैं, क्योंकि वो शायद बस चाहती हैं कि अब हम रेस्क्यू हो गए, बस हम जाएं, और एक ही बात उनका कहना है कि हमें काम करना है, मेरे को पढ़ना नहीं है। जैसे जो छोटी बच्चियां हैं उनको मैंने बोला कि वो बहुत परेशान लग रही थी यहाँ पर वहाँ नारी निकेतन में, कि नहीं हमें खुली हवा चाहिए, हमें बस जाना है, हम यहाँ क्या करेंगे। तो मैंने बोला बच्चे क्यों यहाँ पर रहोगे, तो भी तुम्हें हम पढ़ाएंगे भी और अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगे कि अब इस उम्र में क्या पढ़ना है, बस हमें काम करना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियाँ पहले से ही स्वच्छंद इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी। आज ये किस तरह से इनके झांसे में थी या क्या लड़ाई झगड़ा का कारण बना जब ये भागी हैं वहां से, और भागी तो हैं या वो कह रही कि हम कूद के भागे तो सही है, क्योंकि एक बच्ची का कल मैंने जब देखा चिकित्सक होने के नाते तो मैंने देखा उसका पैर सूजा हुआ है और वो लंगड़ा के चल रही थी, तो फिर मैंने उसका जब पैर देखा और फिर क्योंकि आगे अब छुट्टी वुट्टी का है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, और अब आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में दुकानों और होटल ढाबों पर नाम लिखे जाने की मांग, व्यापारियों ने DM को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में भूमाफियाओं पर पुलिस ने कसा शिकंजा, जमीन फर्जीवाड़े में रालोद महासचिव गिरफ्तार। रुड़की में अवैध गैस रिफिलिंग के 32 गैस सिलेंडर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, 18 कमर्शियल, 12 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद। उत्तरकाशी में शख्स ने गंगा नदी में लगाई छलांग, शख्स की मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हरिद्वार में जिला जेल से दो कैदी फरार, जेल में चल रहा था निर्माण कार्य, आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आरोपी।
काशीपुर में स्कूल में गुंडागर्दी, दो पक्षों में मारपीट, विद्यालय परिसर में बच्चों की शिक्षा हो रही प्रभावित। खटीमा में अवैध लकड़ी से लदे पिकअप को वन विभाग ने पकड़ा, चालक समेत एक अन्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य तस्कर हुए फरार। हरिद्वार में युवती ने नहर में लगाई छलांग, गोताखोरों ने शुरू की तलाश, सूचना पर पहुंची पुलिस। हरिद्वार में कारागार से कैदियों के भागने का मामला, रामलीला के चलते कैदी हुए थे फरार, डीएम और एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। देहरादून में पुलिस और बाल आयोग ने की बड़ी कार्रवाई, मानव तस्करी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, गिरोह के चंगुल से भागी तीन युवतियां। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती हैं? आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री, चार प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है चारधाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। माँ यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टीवी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टीवी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही माँ यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज, जब माँ यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। माँ यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने माँ गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं, यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहाँ तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चारधाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज डेस्क जनता जी।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।